कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जेड़े लोग खून डोलन नूं तैयार सी उहदे वास्ते उहनां दी सुनवाई कोई नहीं होई। पिछली बारी मैं उस कमेटी सी जिहड़ियां टिकटां बणदी सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत जोर दे के सरदार लाल सिंह की टिकट कटाई। पूरे पंजाब का खास तौर पर पटियाला जिले का नुकसान किया। नहीं अज लाल सिंह जी ने डिप्टी सीएम की पोस्ट पर होना। एक चणक्या होया जिन्हों राजनीति का गुरु कहा जाता है। पंजाब दे विच जे कोई चणक्या है तो लाल सिंह है। मैनू भी जब सलाह की लोड़ पैंदी है तो मैं लाल सिंह जी तो पुछदा, ते लाल सिंह जी हमेशा अच्छी सलाह देंदे। ए भाई नूं या तो बाहर ले जाओ यार, बहुत बहुत तत्पर होया वा, इहनूं प्यार दे नाल ले जाओ बाहर नूं। लेकिन मैं एक गल कहना चाहता है, एक गल मैं थानू कहनी है कि जेड़े राजनीतिक बंदे होंदे जिन्हां कोल पावर बहुत ज्यादा होंदी है, जिस तरह बादलों कोल रही, महाराजे कोल रही, इस तरह लाल सिंह कोल भी बहुत पावर रही। छे छे महकमे दे मंत्री रहे, लेकिन आम तौर ते जेड़े राजनीतिक बंदे उन्हां दी औलाद है जेड़ी बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। जिस तरह महाराजे दी बिगड़ गई, जिस तरह प्रताप क्या इहदा नाम प्रकाश सिंह बादल दी बिगड़ गई, लेकिन लाल सिंह जी की जिहड़ी औलाद है इसते शरीफ मुंडा मैं कोई नहीं देखे। लाल सिंह जी ने जे कुछ जिंदगी दे विच खटिया ता एक शरीफ औलाद खटी है, ना पैसे कमाए है, ना नजायज करी, ना धोखा करिया, ना करप्शन करी। ते अज सानू माण है सरदार रजिंदर सिंह जी ते के एक बहुत ही होनहार नौजवान आगू है। शराफत है इहदे कोल, प्यार है इहदे कोल, सत्कार है इहदे कोल, उच्चा बोलना ही नहीं सिखिया। आ हुण लैक्चर भी करिया, बड़े प्यार नाल बोल रहा सी। अजिहे शरीफ लोग राजनीति दे विच आउणे चाहीदे, अजिहे शरीफ लोकां दी लोड़ है राजनीति च। जद भी मेरे कोल आउंदे आ तां कोई ना कोई इलाके दी डिमांड लेके आउंदे, जद भी आउंदे आ तां समाणे दी तरक्की दी गल करदे, जद भी आउंदे आ तां कदे आईटीआई दी गल करदे, कदे कॉलेज दी गल करदे। बहुत तरक्की तुहाडे इलाके च होई है। सरदार लाल सिंह नूं काम कराउणे आउंदे आ, 100 करोड़ दियां सड़कां इहनां कोल बचियां पईआं सी जिहड़ियां कैप्टन वंड नहीं सकिया। मैनूं कहिंदे आ 100 करोड़ रुपया है, पंजाब च जिथे मर्जी दे दे। मैं कहा जी दसो किस तरह करना, कहिंदे 40 करोड़ समाणे नूं रख के बाकी जिहनूं मर्जी दे दिओ। लैओ दसो, इह गज है इहनां दे मिणने दे। समाणे वास्ते कल्ले वास्ते 40 करोड़, बाकी सारे पंजाब नूं कहिंदे 100 करोड़ वंड दे। कहिंदा अन्ना बन्ने सीरनी मुड़ मुड़ अपणिआं नूं, तुसीं भागां वाले हो कि तुहानूं लाल सिंह वर्गा अच्छा लीडर मिलिआ। सो मैं बेनती करना चाहुंदा, जिहड़े असीं फैसले कर रहे हैं, जो
फैसले किए वो फैसले किए हैं जेड़े मैं अपने पिंडे ते हंडाए, जेड़े गरीब लोग अपने पिंडे ते हंडाउंदे, जेड़े मिडल क्लास के लोग मुश्किल सहंदे वो फैसले असी कर रहे, जेड़े किसान अज मुश्किल चल रहे हैं उन्हां दा हल कर रहे हैं। आ बिजली दे एडे एडे बिल आए हुए सी, 2 किलोवाट तक दे 52 लाख परिवार, टोटल 72 लाख परिवार है, उरे चो 52 लाख 2 किलोवाट तक दे, 2 किलोवाट तक दे सारे परिवारां दे सारे बकाए 1500 करोड़ रुपया बिजली दा माफ कीता, दे नहीं दे पा रहे लोग, इस करके कीता बिजली दे रेट इन्ने इन्ने बिजली दे बिल आ जांदे सी, दे नहीं दे हो रहे घर, बाकी बचदा कुछ नहीं बिजली का बिल दे के, 3 रुपये पर यूनिट बिजली सस्ती कीती है, ते अगे नूं तुहाडे बिल अद्धे आउण लग जाने, पानी दियां टैंकियां पिंडां दियां उन्हां पर जिहड़ी मोटर लगी हुई है उसका बिल नहीं दी दे पा रही पंचायतां, 20-20, 50-50 लाख रुपया खड़ा सी, 1250 करोड़ रुपया माफ किया, ते हुण अगे नूं बिल लाउणे बंद करते हैं, पानी दियां मोटरां जिहड़ियां तुहाडे पिंडां दियां टैंकियां पर लगियां हुई, और टैंकी सामने दिख रही शहरां दी, शहरां दियां टैंकियां पानी दियां टैंकियां, अगे नूं बिल नहीं आउणे, सरकार भरेगी पुराने बकाए माफ करते है, थोड़ा पहला पानी का बकाया खड़ा सी सारे बकाए माफ करे है, ते अगे नूं सिर्फ 50 रुपये बिल आना, जिहड़ा 160 रुपया पिंडां जांदा सी 250 रुपया शहरां जांदा सी, हुण शहरां पिंडां दा 50 रुपये आए करना है। पेट्रोल मैनू कहिंदे जी ये तो ऐलान ही करदा हल नहीं हुंदे लागू नहीं हुंदे, क्या बिजली दे बिल माफ नहीं होए, रेट घटे है, पानी दे बकाए माफ होए है, पानी दी टैंकियां दे बिलां दे माफ होए है, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करिए, जाके तुसी पेट्रोल पाउण जाओ 50 लीटर पाओ 500 रुपया बचदा है, लागू होया है, तेल दा ड्रम डीजल दा भर आके लियाओ 1000 रुपया मौके पर बचदा, 5 रुपये लीटर सस्ता करिए, अज तक कले सस्ते होए है, रेता दरिया पर चले जाओ 22 रुपये बिकदा सी हुण 5.5 रुपये बिकदा है, मैं ऐलान करिया कोई भी वीडियो पा दे दरिया पर जाके या खड्ड पर जाके भी 5.5 नहीं 6.5 बिक रहा है, 25,000 इनाम दूंगा, ते उस बंदे नूं जदे अंदर करूंगा जिहड़ा महंगा बेचदा, ऐलान लागू करे है। सत्कारयोग वीरो बैठ दे केस साडे व्यापारियां दे आड़तियां दे दाणा मंडी वालियां दे 40,000 बंदे दे केसां पर लैन मारती हुण दुबारे करन दी लोड़ नहीं, एक तुहाडे इत्थे ही ओपन यूनिवर्सिटी बन रही है, इस नूं बड़ी छेती इहदी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाणी, सारा काम हो गया, इहदे विच एक भगवत गीता अते रामायण दा अध्ययन सेंटर खोलण लगे है तुहाडे इलाके विच खोलणा है, सो बड़े काम ऐसी कर रहे हैं, मसले वो हल कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा है, क्योंकि चादर छोटी रहेगी पैर बाहर निकल गए, टैक्सां दे बोझ ने लोगों नूं खा लिया, रसोईयां चलनियां औखियां हो गई, इस करके सारिया चीजा सस्तियां कीतियां ताकि आम लोगों के काम आवे। अज सवेरे ही बसां दी पंजाब दे विच घाट सी, बादलां दीआं बसां बंद करके 840 बसां सरकार दीआं अज सवेरे शुरू करके आया, ते नाल नाल जेड़े नौजवान मुंडे कालजां विच यूनिवर्सिटीआं विच पढ़न जांदे आ उहनां नूं बस पास जारी कर देने, चाहे वह प्राइवेट कॉलेज च है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी च है, चाहे सरकारी च है, उन्हां दा कोई किराया नहीं लगे करना, यह असी माफ करता है। सो अजिहे फैसले लोगों के हित दे ले रहे,
ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਪਰ ਲਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਔਰ ਬਾਟਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਟਾਟਾ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਟਾਟਾ ਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਬਾਟਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। 10 MLA ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ, 3 MP ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਈ ਤੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਲਾਰੂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ।
काम करके देने है, ना सौना ना सौन देना है। अफसर मेरे तंग होए वे, पहले दा पुछदे सी कैप्टन दा भी ये जागदा कद है, हुण मेरा ये पता करी जांदे भी ये सौंदा कद है। जद मैं मुख्यमंत्री बनिया ये कहंदे जी इन्हें क्या करना है, हुण सोचदे भी इहदा क्या करिए। सत्कारयोग वीरो, मेहनत करनी है, मेहनत कश दा मुंडा है। गरीबी देखी है, मिडिल क्लास फैमिलियां देखी है, किसानी देखी है, मजदूरी देखी है, पढ़ाई करी है, खेलिया है। मनु केजरीवाल भगवंत मान नहीं कहते, यह कहते मंजे भी बुन लेंदा है, ये धारा भी चो लेंदा है, ये रिक्शे भी चला लेंदा है। अज मैं उत्थे बसा चालू करिया, मैं क्या अज कहणगे बस भी चला लेंदा, बस चला के दिखा ली। यार सारा कुछ आप करते हैं पिंडा बिच, आप सारे काम करे हो रहे, केड़ी बीबी है जिन्हों मंजा नहीं बुनना आता, केड़ा जवान है जिन्हों धर नहीं चोनी आती। जेड़े गरीबी चो निकलणगे, जेड़े मिडिल क्लास फैमिलिया जाणगे, वह सारे काम करने पैंदे उन्हां नूं। लेकिन इन्हां नूं एक काम का पता ही नहीं सी कि असीं डांग लेके मूहरे मूहरे भी ला लेंदे जेड़े नशे बेचते उन्हां नूं। सो मैं बेनती करना चाहुंदा कि ऐसी हर वो काम करना जेड़ा आम आदमी नूं फायदा दे, ऐसी हर वो काम करना जिहदे नाल खजाना लोगों के घर आवे। इसलिए मैं थोनू सारिया बेनती करना है कि असल दे विच लाल सिंह जी मेरे गुरु हैं, मैं इन्हां सामने कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लाल सिंह वर्गा लीडर पंजाब दे विच अजे तक कोई है नहीं। इसलिए जो कहणगे मैं वह करना है। ये तो गल्लां ही छोटियां इन्हां वास्ते कि जी साडा जिहड़ा कॉलेज है पबलिक कॉलेज समाणा, इहनूं सरकारी बना दो, बन गया समझो। मैं रजिंदर सिंह की ज्यादा इज्जत करदा लाल सिंह नालों भी, क्योंकि राजनीतिक बंदे का मुंडा, मैं इस गल ते बड़ा हैरान है कि यार इन्ना शरीफ मुंडा जमया किस तरह। इस करके जेड़े जेड़े गड़ेमारी का मुआवजा है, चाहे वह 5 करोड़ की ग्रांट है, यार तुसी जिन्नी मर्जी लो, मैं कहना थोड़े मुरे थान सिटिया जो मर्जी सुवाई जाए। सो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है, जो तुसी कहोगे वह करांगे। लेकिन एक मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि पहला तुसी बड़े मार्जन से जिताया, इस बार महाराजा ने भी ढा लाउणी है, क्योंकि ये लोग बख्शते नहीं होंगे जेड़ा इन्हां दे नाल एक बार ना खड़े। इस करके महाराजा नूं ना देख के गरीब नूं देखियो, इहदे नाल खड़ के इहनूं जिता दो, जो तुसी कहोगे वह करांगे। थोड़ा बहुत बहुत एक थोड़ा हॉस्पिटल छोटा है समाणे वाले, समाणे की मंडी बड़ी मशहूर है, लोग बड़े तकड़े है, कांग्रेस की हमेशा बांह फड़ते रहे है। थोड़ा हॉस्पिटल है जिहड़ा 100 बैड का कर देंगे, 1 तरीक नूं ये दोनों तोहफे कैबिनेट मीटिंग च दे दांगा। आ जिहड़ा नवां साल चढ़ना, नवे साल के तोहफे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।